पिछले 5 से 6 दशकों में मुंबई करों की सेवा करने वाली प्रतिष्ठित पद्मिनी प्रीमियम कंपनी की काली पीली टैक्सी अब इतिहास के पन्नों में खो जाएगी। 30 अक्टूबर 2023 को आखिरी बार पद्मिनी प्रीमियर टैक्सी मुंबई की सड़कों पर दिखेगी। इसके पहले मुंबई की सड़कों से डबल डेकर बस की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी और अब बारी है कि काली पीली टैक्सी होगी। सोमवार को ये टैक्सी अपना अंतिम सफर तय करेगी। वही आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुंबई में डीजल डबल डेकर बस की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी और अब पद्मिनी प्रीमियम टैक्सी को भी रिटायर होने के कगार पर है, जिससे मुंबई करों की याद में एक पन्ना छूट गया है। काली पीली टैक्सी को 29 अक्टूबर 2003 को ताड़देव RTO में पंजीकृत कर दी गई थी। वही आज पद्मिनी प्रीमियर टैक्सी की सेवा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पद्मिनी प्रीमियर टैक्सियों की दी गई 20 साल तक की जीवन सीमा समाप्त हो गई है। वर्तमान में विभिन्न कंपनियों की टैक्सियां काली पीली टैक्सियों के रूप में शहरों में चल रही हैं, लेकिन ऐतिहासिक पद्मिनी प्रीमियर टैक्सी का सफर खत्म हो गया है। काली और पीली पद्मिनी प्रीमियर टैक्सी, जिसे कभी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों की शान माना जाता, मुंबई करों की पसंदीदा टैक्सी थी, लेकिन अब बदलते समय के साथ RTO ने अपने बाद आई कंपनियों की कारों को टैक्सी के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दे दी है। अब मुंबई सहित देश के अधिकतर शहरों में मोबाइल ऐप पर निजी ओला उबर टैक्सी की सर्विस है। मुंबई की बेस्ट पहली ही आखिरी लाल और डीजल डबल डेकर बस को हाल ही में विदाई दी गई थी। अब इस रूट की आखिरी पद्मिनी प्रीमियर टैक्सी को हमेशा के लिए सड़क से गायब कर दिया जाएगा। अंतिम पंजीकरण MH1GA2556 के साथ पद्मिनी प्रीमियर टैक्सी के मालिक अब्दुल करीम ने कहा, ये मुंबई की शान है और हमारी जान है। वही आपको बता दें कि क्लासिक कार प्रेमी डैनियल स्क्वेरा का कहना है कि काली पीली टैक्सी ने शहर की वास्तुकला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।